दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आइए एक नया जानकारी नया सलूशन के साथ। दोस्तों आज मैं एक आपके पास एक नया सलूशन लेके आया हूँ। ये देखिए सैमसंग टीवी है और इजी व्यू का है। देखिए देखिए दोस्तों, और आएंगे दोस्तों हमें सर्किट के देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, तो इसमें दोस्तों एसी आ रहा है और इसमें डीसी 110 से 125 वोल्ट आने वाला था, ये भी नहीं आ रहा है। तो आइए दोस्तों मैं एक एक करके चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, आइए देखिए दोस्तों, मैं अभी सप्लाई दे दिया हूँ एसी। देखिए एसी आ गया हमारा 232 वोल्ट, और उसके बाद डीसी आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए दोनों कैपेसिटर है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए 320 वोल्ट आ गया है। 320 वोल्ट आने के बाद देखिए दोस्तों, हमारा आउटपुट में दोस्तों 110 से 125 वोल्ट आना चाहिए, वो आ रही है नहीं आ रहा है। देखिए मैं अभी आपको एक एक करके चेक करके दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों इसमें 0 वोल्ट है। तो आइए दोस्तों, पहले से ये जो एक हमारा फ्यूजिबल रजिस्टर वहाँ पे लगा जाता है, उसको हमें पहले खोल के चेक करेंगे। क्योंकि लिए हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर दोस्तों शॉर्ट होने के कारण भी दोस्तों हमारा वोल्टेज टोटल ड्रॉप हो जाता है। तो आइए इसीलिए हमारा मॉस्फेट को नहीं खोलना है पावर सप्लाई की, और ये जो हमारा रजिस्टर को खोल के ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन को सप्लाई दिया है दोस्तों, उसको हमें खोल के अभी चेक करेंगे। देखिए कि डीसी आ रही है नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों आवाज़ आ गया, रिले का आवाज़ टुक टाक करके आ गया दोस्तों। तो मैं अभी ये डीसी वोल्ट को चेक करूँगा, ये देखिए, और चेक करूँगा। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों वोल्टेज आ गया है, फिर भी आया नहीं आया। फिर भी मैं एक देखिए, मेरा पास एक 100 वाट का बल्ब है, और ये 100 वाट बल्ब को लोड करके ये पॉजिटिव है। देखिए और ये नेगेटिव है, जला के हमें उसका लोड चेक करने के लिए दोस्तों 100 वाट बल्ब को लोड कर दिया हूँ। देखिए लोड करने के बाद देखिए मेरा 100 वाट बल्ब भी जल गया है, और अभी ये वोल्टेज भी चेक करूँगा कि वोल्टेज सही में ज़्यादा हो रही है कम हो रही है। देखिए देखिए दोस्तों 124 वोल्ट स्टैंड बाय पूरा, देखिए कोई फ्लैक्चुएट नहीं है। तो आइए दोस्तों अभी हमें फिर भी जो रजिस्टर खोला था दोस्तों हमारा पावर सप्लाई से हॉरिजॉन्टल सेक्शन को सप्लाई देने के लिए दोस्तों, ये हमें अभी लगा देंगे रजिस्टर को, और फिर भी ये जो वोल्टेज को दोस्तों चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे। ये दोस्तों ये रजिस्टर है, लगाने के बाद थोड़ी सी उसको सोल्डिंग करने से अच्छा रहेगा। हो गया, और अभी करंट आ रही नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको ये लाइव वीडियो दिखाने वाला हूँ, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। देखिए दोस्तों
दोस्तों जितना टाइम में भी आप ये चेक करोगे ना दोस्तों, देखिए अभी 0 वोल्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे डीसी देखिए, देखिए दोस्तों, देखिए डीसी वोल्ट वहाँ पे आउटपुट हो रही है, लेकिन क्या हो रही है वहाँ पे कोई शॉर्ट है, कौन शॉर्ट है, क्या शॉर्ट है, अभी हमें चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, तो हमें ये जो लगा हुआ है ये 1803 होगा, 1802 होगा जो हॉरिजॉन्टल स्विचिंग ट्रांजिस्टर, हमें अभी पहले डायोड रेंज में ये बजर रेंज में रख के उसी को चेक करेंगे। देखिए दोस्तों ये वाला, देखिए फुल्ली ये वाला शॉर्टिंग दिखा रहा है बजर मोड में। तो आइए दोस्तों उसको खोलेंगे, उसको खोल के हमें बनाएंगे। देखिए दोस्तों सच में ये शॉर्ट है या नहीं है, उसको खोल के हमें चेक करने से पता चलेगा कि ये सच में ये शॉर्टिंग है या और दूसरा कोई चीज़ शॉर्टिंग है। ये शॉर्टिंग के कारण में जो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, देखिए ये दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए खोल दिया हूँ, वो उसका नंबर है, देखिए दोस्तों 6810, देखिए दोस्तों 6810, देखिए। तो हमें अभी ये आउटपुट जो ट्रांजिस्टर को पहले चेक करेंगे, सच में अच्छी है या खराब है। देखिए दोस्तों ये बजर नहीं आना चाहिए, ये बजर आ रहा है, देखिए। तो मैं अभी दूसरे वाला 6810 लगा के दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए ये मैं नया वाला जो 6810 लेके आया हूँ दोस्तों, देखिए 6810। तो अभी मीटर में चेक करूँगा, पहले डाउड रेंज में, देखिए ये बजर मोड में, ये देखिए दोस्तों इसमें कोई वजन नहीं आ रहा है, देखिए इसमें, देखिए डाउड रेंज में रख के उसको मैं चेक करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए देखिए 445 और देखिए 410, देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। आइए दोस्तों अभी ये 6810 ट्रांजिस्टर को लगा के चेक करने वाला हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को लगाने से पहले थोड़ा सा हीट सिंक देना चाहिए, और ये जो वोल्टेज 124 वोल्ट ड्रॉप हुआ था दोस्तों, उसको पहले हमें ये जो ट्रांसफार्मर कोयल से लेके कलेक्टर को जो वोल्टेज आने वाला है, ये वोल्ट कलेक्टर को आ रही है नहीं आ रही है, पहले ये भी चेक करके दिखाने वाला है। और नहीं देखूंगा तो दोस्तों कोई सेटिंग होगा तो फिर भी हमारा नुकसान हो जाएगा, कोई मतलब नहीं ट्रांजिस्टर को लगा के, ताकि हमारा नुकसान बढ़ जाएगा।
सीधे दोस्तों ये देखिए मैं सप्लाई कर दिया हूँ और उसको वोल्टेज डीसी रेंज में रख दिया हूँ मीटर को। और अभी देखेंगे दोस्तों ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है देखिए, और ये पॉजिटिव कलेक्टर है। देखिए दोस्तों वोल्टेज ये लोड हो जाएगा तो दोस्तों 124 वोल्ट में बराबर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अभी ये ट्रांजिस्टर को लोडिंग करेंगे। लोडिंग करने से दोस्तों पहले वहाँ पे जो 110 वोल्ट दोस्तों स्टोरेज होकर रह जाता है, इसीलिए उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिस्चार्ज करने से अच्छा है ताकि हमको कोई नुकसान ना पहुँचे। ये दोस्तों हम उसको अभी देखिए हो गया है। उसके बाद अभी हम शोल्डिंग मारेंगे, शोल्ड करेंगे। हो गया देखिए, होने के बाद दोस्तों अभी हमें फिर भी लोड देके देखेंगे सही में हमारा टीवी बना या नहीं बना या आगे क्या प्रॉब्लम है अभी देखेंगे। देखिए दोस्तों लगता है कि हमारा ये ऑपरेशन सक्सेस हो गया है दोस्तों। देखिए और ये 180 वोल्ट होना चाहिए। देखिए दोस्तों आ गया, देखिए दोस्तों वोल्टेज भी बूस्ट वोल्टेज आ गया। और अभी स्क्रीन को देखेंगे, स्क्रीन में सही में आया या नहीं आया है। देखिए ये दोस्तों ये थोड़ी सी हमारा जो ये ESD है दोस्तों हीटिंग हो रहा है, वोल्टेज तो बन गया दोस्तों। ऐसे लाइव वीडियो दोस्तों देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। आवाज़ भी सुनाई होगा दोस्तों आपका। देखिए दोस्तों ऐसे नया नया जानकारी, देखिए हमारा जो वर्टिकल वोल्टेज है दोस्तों पॉजिटिव वोल्ट आ गया, और ये वाला जो नेगेटिव वोल्ट भी देखिए पॉजिटिव वोल्ट आ गया, नेगेटिव वोल्ट सब आ गया दोस्तों। ऐसे नया नया जानकारी नया नया सॉल्यूशन के साथ दोस्तों आपको पास और नया नया वीडियो देता रहूँगा दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, कमेंट करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।